बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया गया। बलोच खातून ने एक यूरोप के अंदर खड़ी हुई है और करीमा बलोच भी थी कनाडा के अंदर, उनको जो है वो मार दिया गया एसआई के ऑपरेशन में और वो खुदकुशी जो है वो करार दे दी गई। और कोशिश अब तो उन्होंने बड़ी की है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो ये नक्शा मेन सर देखें यहाँ पे निकल के सामने आया है, पहले भी नक्शा तो आते रहे लेकिन आजाद बलोचिस्तान का जो नक्शा आपको नजर आ रहा है एरियाज में आज स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए तो ये क्या जवाब देखें जी? आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। मैं भी बलूचिस्तान से, मैं बलूचिस्तान और लाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है, गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या पानी नहीं, 15 घंटे पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं, और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो ये वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है किधर। हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है, आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा, नहीं मान रहा है तो यही मसला है। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो है बगावत की जंग जो है वो आ चुकी है, पाकिस्तान के लोगों को जो है भगाना वहां से चालू कर दिए हैं, वहां पे जो है नॉट अलाउ है, चीन के लोग भी अलाउ नहीं है, साथ में पाकिस्तान के लोग भी अलाउ नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान वालों का कहना है कि हमें जो है वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, बलूचिस्तान वालों का ये भी कहना है। और आपको बता दें कि बलूचिस्तान के स्कूलों में जो है पाकिस्तान के जो है नेशनल एंथम को जो है नहीं गाने दिया जा रहा है, नहीं वहाँ पे बोला दिया जा रहा है, साथ में वहाँ पे उसकी हिस्ट्री को लेकर जितनी वहाँ राष्ट्रीय पाकिस्तान के जितनी चीज़ें सब्जेक्ट हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है नहीं पढ़ाने के लिए जो है वहाँ पे जोर दिया जा रहा है, सब सब्जेक्ट को हटा भी दिया गया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि आखिर में भारत ने कितना बड़ा जो है ये कर दिया कमाल, कि अब बलूचिस्तान के लोग जो है वो बाइकॉट करते नजर आ रहे हैं। पहले बांग्लादेश जब अलग हुआ था भारत से तो बहुत ही मजा ले रहे थे पाकिस्तान के लोग, तो यही मसला है। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही, बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को, पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो उसे, लेकिन सबसे पहले आप बता दो मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? तो हम लोगों का मुतालबा ये है, मुतालिया पाकिस्तान क्या है? मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा? उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है, मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ, तो यही हम लोगों। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलोचिस्तान का रिएक्शन जानना है। बलोच नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है लेकिन बलोचिस्तान वाली साइड से। बलोच और पठान बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा है, सब एक जैसे है, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा, बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लिखा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि वो लड़ाई किसने जीती है, तो ये सबसे पहले हम लोगों का ही सवाल है अभी। ये लड़ाई बताओ किसने जीती है? तो हम लोगों ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? नहीं, ये जो तराना बैन हुआ है, अच्छा इंडिया के भी बड़ा नाम आता है जब जब बलूचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलूचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं, अभी देखो आप बड़ा हंसे इस बात पे। नहीं नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला अभी, वो उसको फंड कर रहे हैं। नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे है वो इतने कमजोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते है कि कौन फंडिंग कर रहा है। हाँ। इतने तो कमजोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे। हाँ। बलूचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब?
कौन बलूचिस्तान के लोग हाँ, नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको बताया कौन करवा रहा है, सबको अभी बताया, वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुताले पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए इंडियन मोदी बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। मुझे ये बताएं सिंपल सी, आटा या कश्मीरी सेम जो कंडीशन है सर? देखे पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मारे, यहाँ पे 28 करोड़ आवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ आवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ आवाम भूखी मार रही है। पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे, ये मेरा जवाब है। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। यही चीज है, देखें बड़ी, बहुत से हम दावे करते हैं, बहुत से नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वो तो डेवलपमेंट, वहाँ पे आटे की कीमत बहुत सस्ती है, वहाँ पे गंदम की कीमत बहुत सस्ती है, और हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इसे आज़ाद कश्मीर यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ आटा नहीं मिल रहा। देखें जी, ये बिल्कुल यहाँ पे जो भी सियासतदान कश्मीर के हवाले से ये मैप खींचते हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसके उल्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आज़ाद है और पाकिस्तान जो है ना ये आज़ाद नहीं है। आप नक्शा अगर देखें तो ये बलूचिस्तान का जो नया नक्शा इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये आजकल बलोच खवातीन ही जो है वो लीड कर रही हैं, और ये बलोच खातून ने एक यूरोप के अंदर खड़ी हुई है, और करीमा बलोच भी थी कनाडा के अंदर, उनको जो है वो मार दिया गया एसआई के ऑपरेशन में, और वो खुदकुशी जो है वो करार दे दी गई, और कोशिश अब तो उन्होंने बड़ी की है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो ये नक्शा मेन सर देखें यहाँ पे निकल के सामने आया है, पहले भी नक्शा तो आते रहे, लेकिन आजाद बलोचिस्तान का जो नक्शा आपको नजर आ रहा है वो मौजूदा बलोचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर और अफगानिस्तान को जोड़ के ये नक्शा जो निकाला गया है, और बैन अल-अक़वामी जो माहौल बन रहा है, और चाइना यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, और अमेरिका जो है वो भी होल्ड चाहता है। सर एक आपने इंडिया का रोल बीच में से बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया, उनका भी बे इंतहा बड़ा रोल है, चाहे वो बॉर्डर अभी उनका नहीं लगता, लेकिन उनके इंटरेस्ट भी बिल्कुल मिले हुए हैं कि पिछले महीने से तकरीबन 30 गुना ज्यादा, सिर्फ इस महीने, खाली पिछले साल से नहीं, पिछले महीने से 30 गुना ज्यादा इस महीने टेररिस्ट इंसिडेंट्स। अब जो है, अब बलूचिस्तान अलग हुआ है और जो है अपनी आजादी की मांग कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है पाकिस्तान के नेथलम राष्ट्रीय गान को भी हटा दिया गया है, वहां से जुड़ी जितनी इम्पोर्टेंट सी राष्ट्रीय थी, पाकिस्तान की जितनी राष्ट्रीय थी, वहाँ सब सब्जेक्ट को भी जो है स्कूलों से बंद कर दिया गया है। दोस्तों चीन और पाकिस्तान के लोगों का वहाँ अलाउ नहीं है, वहाँ पे नॉट अलाउ कर दिया गया है, और इसको लेकर के जो है पाकिस्तान की मीडिया जो है हैरान नज़र आ रही है, साथ में पाकिस्तान की सरकार भी नज़र आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर अब से नहीं, तकरीबन काफ़ी साल पहले से जो है उन लोगों पर काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, लोग गायब हो रहे थे, हर अच्छी सरकार से, पाकिस्तान सरकार से डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन उनका जो है किसी प्रकार से पाकिस्तान के लोगों ने जो है मदद नहीं की, पाकिस्तान की सरकार भी उन लोगों की मदद नहीं की बलूचिस्तान वालों का, और नहीं तो उन लोगों को जो है उन लोगों के लोगों को पता भी नहीं करते थे, इन लोगों को मारते पीटते थे भी वहाँ के पुलिसकर्मी, और ये भी करते थे कि उन लोगों को उठाकर जेल में भी डाल देते थे, इस तरह की हालात करते थे, जिसके वजह से जो है वहाँ के लोग गुस्से हो गए, और अब जो है पाकिस्तान से किसी प्रकार की मदद भी नहीं मांगते हैं, और साथ में वहाँ पे जो है आने से पाकिस्तानियों को और चीन के लोगों को भगाना जो चालू कर दिया है, और राष्ट्रीय सब्जेक्ट किताबें पढ़ाना बंद कर दिया है, और साथ में वहाँ का राष्ट्रीय गान को भी जो है पढ़ाने से जो है गाने से भी मना कर दिया है। अब पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में पहले जो लोगों पर जुल्म होते थे बलूचिस्तान के लोगों के, पहले वो लोग नहीं बताते थे, अब जो है अब हैरान नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में भी जो है अब इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो राष्ट्रीय गान को बैन कर दिए हैं, तो वहाँ के सब्जेक्ट को जो ओरिजिनल जो
किताबें हैं सरकारी, इसको भी बंद कर दिया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, उसी तरीके से बलूचिस्तान भी जो है पाकिस्तान से अब धीरे धीरे आज़ाद हो जाएगा दोस्तों।